तो केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत अपने संसदीय क्षेत्र अलीगंज पहुंचे, जहां डाक बंगला पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर कार्यकर्ताओं से वार्ता की। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से मुखातिब होने के बाद सांसद मुकेश राजपूत ने प्रेस वार्ता करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता से जानकारी दी। सांसद ने कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी जैसे नेता के सानिध्य में देश की सेवा करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी जनहित योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से भारत देश के गरीब और अंतिम व्यक्ति तक शासन द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाएँ पहुँचाई जा रही है। नवा रोग होता था, टीबी की बीमारी भी होती थी, ज्यादा धुआं पेट में चला जाने से अब वो बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और गरीबों को भी गैस का आनंद मिलना, वो भी अपने रहिसों की तरह अपने यहाँ गैस पर खाना बना सकती हैं। तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को ये योजना भी दी गई। दूसरा, किसान सम्मान निधि, देश आजाद हुए लगभग आज 75 वर्ष हो रहे हैं, पहली बार इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों को सम्मान निधि दी 6,000 रुपए, चाहे जमीन कितनी भी हो, चाहे 1 बिसुआ हो और चाहे 100 बीघा हो, हर किसान को सम्मान निधि देने का काम किया, जिससे कम से कम किसान समय पर जब फसल बोए तो बीज ले सके, उन्नत किस्म का या खाद डाल सके, घूड़ा डाल सके, जो भी अपने उपयोग में ला सके। दूसरा, हर गरीब को आयुष्मान योजना के माध्यम से, गोल्डन कार्ड के माध्यम से वो अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सके।